कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर। बरेली लोकसभा सीट से संतोष गंगवार को बेटिकट कर छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाए जाने से संतोष असंतोष की चर्चाओं के बीच भाजपाई रणनीतिकारों की नजर उन बूथ बाढ़ और इलाकों पर टिकी दिखाई दे रही है जहां सब कुछ अपना होने के बाद भी उसे जीत नसीब नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन के मैदान में आने से भाजपा की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर पर बरेली कैंट को लेकर जहां के पिछले चुनावी आंकड़े भाजपा की पेशानी पर बल डालते नजर आते हैं। बरेली लोकसभा सीट पर कई दशक से भाजपा काबिज है। 1989 से 2019 तक सिर्फ 2009 का चुनाव छोड़ दें तो बरेली से भाजपा के संतोष गंगवार भगवा परचम फहराते रहे हैं। इस बार भाजपा ने संतोष गंगवार के स्थान पर छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन और बसपा ने पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार को मैदान में उतारा है। चुनाव कोई भी हो, बरेली शहर के क्षेत्र में ज्यादातर बूथों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच हमेशा मुकाबला कांटा होता दिखता है। इसमें भी रामपुर गार्डन जैसे हिंदू बहुल इलाकों की चुनावी कहानी भाजपा को टेंशन में डालती है। सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव की रण में उतरे पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन का बरेली कैंट इलाके में राजनीतिक प्रभाव सबसे मजबूत माना जाता है, जहां से वह न सिर्फ खुद विधायक और मंत्री रह चुके हैं बल्कि उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया एरन भी चुनावी रण में उतरती रही हैं। मौजूदा वक्त में बरेली कैंट से भाजपा के संजीव अग्रवाल विधायक जरूर हैं लेकिन इससे भाजपा की चिंताएं कम होने का नाम नहीं लेती। उदाहरण के तौर पर रामपुर गार्डन और सबिलना इलाकों को देखा जा सकता है जहां से समाजवादी पार्टी के राजेश अग्रवाल किसी भी काल परिस्थिति में भाजपा को हरा कर पार्षद बनते आ रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि राजेश अग्रवाल उस रामपुर गार्डन से छठी बार पार्षद चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बना चुके हैं जहां कैंट के मौजूदा विधायक संजीव अग्रवाल का अपना आवास भी है। संख्या के हिसाब से यह इलाका वार्ड 35 में आता है जिसमें हिंदू बहुल रामपुर गार्डन, राम वाटिका, राधेश्याम एनक्लेव कॉलोनी, आंचल कॉलोनी, खुर्रम गोटिया और मकरंदपुर सरकार जैसे मोहल्ले जुड़ते हैं। नगर निगम चुनाव में समाजवादी राजेश अग्रवाल ने कैंट से भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल के करीबी माने जाने वाले ब्रजेश मिश्रा को 578 वोटों के बड़े अंतराल से शिकस्त देकर लगातार छठी बार जीत का झंडा बुलंद किया था, जबकि उससे पहले के निगम चुनाव में भाजपा यहां 78 वोटों से हारी थी। भाजपा में अंदर खान है, जब भी जीत हार का चुनावी मंथन होता है तो सबसे पहला नाम रामपुर गार्डन बाढ़ का उभरकर सामने आता है जो कैंट विधायक संजीव अग्रवाल का अपना घर है और पार्टी को यहां के बाढ़ बूथ पर भी शिकस्त झेलनी पड़ती है। बरेली कैंट में सपा के लोकसभा उम्मीदवार प्रवीण सिंह एरन की ताकत बढ़ाने को उनकी पूरी टीम के साथ 6 बार के पार्षद राजेश अग्रवाल फिर मैदान में कूद चुके हैं। भाजपा भी अपने उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार के चुनाव अभियान में जान फूंकने के लिए पूरा जोर लगा रही है, मगर रणनीतिक बैठकों में बार बार बरेली कैंट की कहानी उभर कर सामने आ रही है जहां कई तरह की चिंताएं भाजपाई रणनीतिकारों के जेहन पर साफ साफ होने की बात पार्टी कैंप से सामने आ रही है। सिर्फ रामपुर गार्डन ही नहीं, बरेली शहर कैंट में कई ऐसे बूथ और बाढ़ हैं जहां भाजपा हर बार घाटा उठाती है। यही वजह है कि पार्टी नेताओं को ऊपर से साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि चुनावी मोर्चे पर सबको अपने अपने बूथ और बाढ़ जीत कर दिखाने होंगे, यानी जो जीते वही सिकंदर और नहीं जीते तो देखते रहना क्या क्या होगा भाजपा के अंदर। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।